क्रेटनाइन भी कम हुआ है, 6 से क्रेटनाइन 3 आया है, जो इनको डायलिसिस की जरूरत थी वो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी अब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं जो किडनी की इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और आज उनको किस प्रकार से आराम मिला है जानेंगे उनसे। क्या नाम है पेशेंट का? निगाहिया राम जी। कहाँ के रहने वाले? कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल से? कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हाँ जी हाँ। तो कैथल कौन से गांव से हैं? मानस गांव है। तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी उनको? उनको किडनी में काफ़ी प्रॉब्लम थी सर। एक तो उनका क्रिएटिनिन था जो 6.92 था और जो यूरिया सीरम था वो भी 177 था। 6.9 चला गया था क्रिएटिनिन? हाँ जी हाँ जी। अभी 2 महीने की दवाई लेने के बाद उसका क्रिएटिनिन जो 3.81 है और यूरिया जो 9.2 है। अच्छा, पहले 6.9 था, हाँ, अब क्रिएटिनिन कितना है इनका? 3.81। दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ कैमरे की तरफ करो इसको। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से रिपोर्ट कराई है और इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन 3.81 हो चुका है, यूरिया भी 92 हो चुका है। ये पेशेंट कौन है आपके? ये रिलेटिव है जी मेरे, मतलब अंकल लगते हैं। अंकल लगते हैं? अंकल लगते हैं। ठीक है, रख लो। तो जब आए थे इनको और क्या क्या दिक्कत होती थी गैया राम जी को? इनको पाँव में सोजिश हो जाती थी, खाने में दिक्कत थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, पाँव काफ़ी सूज जाते थे। वो अब ठीक है, इनका काफ़ी ठीक है, अभी बैठ रहे। अभी तो नहीं आ रही ना सूजिश? तो डॉक्टर ने तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी। अच्छा, अल्केमिस्ट में चंडीगढ़ पंचकूला में अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ डायलिसिस के लिए बोल दिया था इनको, भाई डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो अब काफ़ी रिलीफ है जी, खाना खुना बेटर है, खा रहे बढ़िया अच्छा है। तो आपने कैथल से अल्केमिस्ट चंडीगढ़ में दिखाया था, हाँ वहाँ पे डायलिसिस के लिए बता दिया था। हाँ जी हाँ जी। डायलिसिस? अब डायलिसिस की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? नहीं पड़ी जी। है ना, अब ठीक है ना? अब ठीक है जी, अब कोई जरूरत नहीं डायलिसिस, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, खाने पीने का अलग से फॉलो कर रहे हो ना सर? हाँ जी हाँ जी। डाइट भी? डाइट चार्ट के हिसाब से खाना दे रहे जी। पहले से ठीक महसूस कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्रिएटिनिन भी कम हुआ है, 6 से क्रिएटिनिन 3 आया है। टेस्ट कहाँ से कराए आपने? ये कैथल से कराए जी। कैथल में लैब है, वहाँ से उन्होंने टेस्ट कराए हैं और पहले से इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ है बल्कि यूरेमिक सिम्टम्स भी सबसाइड हुए हैं, यूरिया भी कम हुआ है और साथ साथ जो इनको डायलिसिस की जरूरत थी वो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी अब नहीं है। अब रिपोर्ट दिखाई थी अल्केमिस्ट में? ये तो नहीं दिखाई थी अभी तो। अब ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, काफी बेटर है। ठीक है, तो लग के इन्होंने फॉलो करी सारी चीजें और पहले से फिजिकली भी बेटर है और अब ये इनकी रिपोर्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है, सब चीज़ों में इनको अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैथल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इन्होंने लग के फॉलो करा मेडिसिन भी, डाइट चार्ट भी और गाइडेंस। 6 से क्रिएटिनिन 3 आया, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर आ चुके हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने देखा ना किस प्रकार से इनका क्रिएटिनिन बढ़ा था, अब कम हुआ है, अब क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवाई लिखी, दवाई दी हमारे को और हमारा पेशेंट काफ़ी बेटर है। मैं सबको बोलता हूँ कि डायलिसिस से पहले यहाँ एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिले आके। जैसे निगैया राम जी को वैसे औरों को भी आ सकता है। तो इन्होंने लग के फॉलो करा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।